अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मछली क्या किलो है? साढ़े पाँच सौ रुपए किलो है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है, मैं हूं शहजाद मेहमान। मैं आज आपको लेके आया हूं भाई मछली की मार्केट। जी, मछली की होलसेल मार्केट, क्योंकि आपको पता है सर्दी आते ही मछलियों की मांग में इजाफा हो जाता है। तो बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि आप मछली के ऊपर भी एक वीडियो बनाए, मगर कोई होलसेल मार्केट हो। तो मैंने आपके लिए ढूंढ निकाली होलसेल मार्केट, वो भी फिशरी से भी बहुत कम रेट पर, और हर किस्म की मछली है। काला पापलेट, जलेबी पापलेट, मुख्तलिफ किस्म की मछलियां हैं, यानी मेरे तो नाम भी नहीं आ रहे कितने किस्म की। तो मैं आपको लेके तो आ गया हूँ, मगर आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा, अपने मैसेज से जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं, चांद भाई है इस दुकान के ऑनर, उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हिसाब दे रहे हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। आपने भी आना है, बहुत सस्ती है वाकई में। तो चलते हैं चांद भाई के पास, पूछते हैं, चांद भाई बताएंगे। चलिए, कौन कौन सी मछली, उसके क्या रेट है? ये खग्गा मच्छी कहलाती है, इसका रेट है 500 550 रुपए किलो। कौन सी दिखाइएगा जरा? सही है, ये क्या है? ये सिंघाड़ा कहलाता, खग्गा सिंघाड़ा। इसमें कांटे कितने होते हैं? इसमें कांटा नहीं होता, एक हड्डी होती है इसकी बीच की। और बताइए, ये रोहू है, मीठे पानी का, इसमें कांटा होता है। कितने की, क्या किलो है ये? ये 450 रुपए किलो है, ये 550 रुपए किलो। ये कप्तान मच्छी है, समंदर का अच्छी मच्छी है, एक हड्डी होती है इसमें, ये 600 रुपए किलो है। इसके बराबर में है गुलफाम, गुलफाम मच्छी है। कौन सी है ये? गुलफाम है, मीठे पानी का फार्म का। इसका 500 रुपए का रेट है। ये मुर्रा मच्छी कहलाती है, मुर्रा समंदर का मच्छी है, मुर्रा 700 रुपए किलो है। ये सारम है, सारम ये 650 रुपए किलो है। ये कुन है, ब्लैक कुन है, ब्लैक। अच्छा, मुझे 550 रुपए। सारम की थोड़ी सी खुशियात बताए। सारम की देखे, सारम मच्छी कहलाता है ये सारम। निशान होते हैं इसमें, निशान 1 2 3 4 5 इसमें निशान होते हैं। काटे एक हड्डी होती है इसमें, एक काटा। ये गेंगड़ा कहलाता है, गेंगड़ा समंदर का, एक काटे का। ये गेंगड़ा दिखाएं, ये क्या हिसाब मिलेगा पब्लिक को? पब्लिक को ये मिलेगा 350 रुपए। वो वाली कौन सी? वो जलेबी पापलेट कहलाता है, दिखाएं जरा उसको। ये 360 रुपए किलो है, जलेबी पापलेट कहलाता है, जलेबी। वो वाली कौन सी है? वो यही है, ऊपर नीचे रेट होता रहता है। अगर ये 400 की आएगी तो इस पे कम से कम 60-70 रुपए किलो पे खर्चा आ जाएगा। हमने अगर 30-40 रुपए किलो पे नहीं बचे, अभी कमाई है खत्म हो गई है मच्छी की। जिस रेट में मंडी से आ रहे उस रेट से भी कम बेचनी पड़ रही है इस टाइम, क्योंकि नहीं बेचेंगे तो सुबह ये फेंकने में काम आएगी, इसको फेंक देंगे। कौन समंदर का सारा में समंदर की, ये मुई मच्छी है समंदर का, ये 700 रुपए किलो है मुई। ये घिसर डामा है समंदर का, ये 450 रुपए किलो है डामा घिसर। ये जलेबी बड़ा है, ये 600 रुपए किलो है, छोटा सारा में 450 है। ये कतला कहलाता है, मीठा पानी का, समझे, 400 रुपए किलो है। ये सिल्वर रोहू कहलाता है मीठे का, ये 400 रुपए किलो है। ये गेंगड़ा है, वो कुन है समंदर का मच्छी है ये सब। अच्छा, मुझे बताएं कितने किस्म की वैसे मछली होती है? मच्छी के बहुत किस्म है, जितने सर पे बाल है इतनी किस्म है मच्छी की।
जितने सर पे बाल है ना, इतनी मच्छी की किस्म है, आती कहाँ है? किसी को लेना हो वो कहाँ पे आए? वो पावर हाउस आता है और कहाँ आएगा? ये पावर हाउस सबको कवर कर रहा है, चारों पांच सेक्टर को कवर करता है, यहाँ तक के डिफेंस तलक से आते हैं, तारिक रोड से आते हैं। यानी मार्केट से कम रेट पे पावर हाउस भाई ये बिक रही है, पावर हाउस पे ये बिक रही है सबसे कम रेट पे, और कहीं नहीं बिक रहे। वाटर पंप पे बहुत रेट है, कम से कम दे देंगे, जैसे आई 400 की तो उसके 400 में दे देंगे, 50 रुपए जेब से चले जाएंगे। जो खर्चा आया भाई 50-60 रुपए आता किलो पे खर्चा, उसको रेट के रेट दे देंगे। 400 की आई 400 में दे देंगे, 450 की आई 450। झींगा भी है, कितने किस्म की झींगे हो दिखाइएगा? झींगा भी तो एक ही किस्म का है वो रखा हुआ। ये देखे झींगा है, छिलावा साफ झींगा है, ये 800 रुपए किलो है, और जो छिलके वाला झींगा है ना इतना बड़ा, वो 1500 रुपए किलो है छिलके के साथ, वो 1500 रुपए किलो। ये फिंगर है, मुश्के का फिंगर है ये, समझे? ये 800 रुपए किलो है मुश्के का फिंगर। ये काला पापलेट है, ये 700 रुपए किलो है काला पापलेट। इसमें काटा नहीं होगा, एक हड्डी होती। ये समंदर का पोपट मच्छी कहलाता है, पोपट 650 रुपए किलो है। ये समंदर का पोपट मच्छी कहलाता, व्हाइट गोश्त का होता, वीआईपी मच्छी है। पापलेट है, पापलेट पापलेट काला पापलेट है, व्हाइट पापलेट बता दिया। ये कौन सी मच्छी है? ये पोपट है, पोपट समंदर की पोपट मच्छी। मच्छी का रेट फिश नहीं होता, मच्छी का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। अगर सर्दी आई तो और ऊपर होएगा, हर मच्छी अलग दामों में है। अच्छा ये बताइए, लोग फिशरी जाते लेने के लिए, हाँ महंगी मिलती है, आप बैठे हो कहाँ? ये पावर हाउस तुरंगी है, जहाज वाली नाथ कराची, यहाँ बैठे हुए हम 20-22 साल हो गए इस जगह पर बैठे हुए। तो अगर रेट की बात करें तो बहुत मुनासिब रेट है बनिस्बत वहाँ से, फिशरी से यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, हम लेते हैं यहाँ से, हैं अंकल से वाकिफ भी हैं, और माशाल्लाह से अच्छी भी है, टेस्ट में भी है। अभी हमने कुंद लिए, 3-3.5 किलो लिए, अभी इंशाल्लाह देखते हैं कैसा टेस्ट है, लेकिन रेट में मुनासिब है, रेट से बहुत डिफरेंस है बनिस्बत वहाँ से और यहाँ से। मछली फ्रेश होती है? मछली में कोई मसला नहीं? नहीं नहीं, मछली बिल्कुल फ्रेश होती है, ऐसा ही होती है, कोई ऐसा मसला नहीं है मछली में। लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं लोगों से ये एडवाइस करूंगा कि आप आए, यहाँ जरूर आए और यहाँ से परचेज करें, लीजिए और टेस्ट कीजिए, और इंशाल्लाह आप अच्छे ही लफ्ज में याद करेंगे। चाचा ये काला पापलेट है? ये काला पापलेट है। वाह भाई, ये तो हमने तो नाम ही सुना था इसको, कैसा ही है? बहुत वीआईपी होता है। इसमें कांटे कितने? एक कांटा होता है, एक कांटा है। फ्राई में भी है, सालन में भी, दोनों काम में आता है, फिंगर भी बनाते था ये। ये काला पापलेट है और एक कांटे वाला, बिल्कुल। ये कौन है? ये देखें, ये भी बता दिया इन्होंने कौन है। आपने, आपको मेरी वीडियो तो बड़ी अच्छी लगी होगी यकीनन, तो एक दफा आपने जरूर आना है यहाँ पे, और मछली भी आपने खरीदनी है, और आप जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, अपने मैसेज से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, मैं ये काला पापलेट खरीदूं, आप मेरी वीडियो देखें। चलो यार मैं